हे गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस शिव एंड वेलकम टू माय अनदर ट्रेनिंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप फेसबुक एड रन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मतलब सेकंड पार्ट है इसमें। मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था वो अगर आपने देखा नहीं तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। उसमें मैं आपको बताता हूं स्टार्टिंग से आप कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और क्या क्या स्टेप रहेंगी फेसबुक एड रन करने के लिए, ताकि आप सक्सेसफुली फेसबुक एड रन कर सकें और एक अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकें फेसबुक एड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट है। इस सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे आप जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि मतलब पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट में देखा था कि आपको बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पेज कैसे क्रिएट करना है, तो ये तीन चीज़ें हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो सेटिंग होती है पेजेस में वो ही बताएंगे क्या सेटिंग करना है आपको। तो आप बिल्कुल वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, उसमें पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इस जो सेकेंड वीडियोस में हम आगे का जो प्रोसेस है, आपको लोकल लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है, इसके बाद आपको बिलिंग जो आपके पेमेंट सेटिंग है वो कैसे आपको अपडेट करना है, देन इसके बाद आपको जो लाइक कैंपेन है वो कैसे रन करना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधे बिजनेस मैनेजर में, ठीक है। तो ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, इसमें आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो ये अपना पेज है जो मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। ये मेरा पहले का जो पेज है वो, ठीक है। तो आपको जाना है यहाँ पर, तो पहले तो आपको बिलिंग में जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास बिलिंग आप पेमेंट सेटिंग आप पेमेंट अपडेट नहीं करेंगे तो आप एड रन नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि आप पेमेंट मेथड होगा तभी आपको फेसबुक अलाउ करेगा आपको जो भी एड आप रन करना चाहें वो रन कर सकते हैं। तो आपको जाना है यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आप बिजनेस मैनेजर में एड रन कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड का, अगर आप इंडिया में हैं। अगर बाहर हैं तो फिर बाहर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में ओनली एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा क्रेडिट कार्ड का। इसके अलावा अगर आप पर्सनल जो प्रोफाइल होती है, ठीक है, आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल होती है उसमें जो एड अकाउंट क्रिएट होता है आपका एक एड अकाउंट, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको डेबिट कार्ड हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, इसके अलावा पेटीएम हो सकता है और काफ़ी सारे नेट बैंकिंग के ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर आपको जो बेनिफिट होगा, जो आप मैक्सिमम बेनिफिट आप जो ले सकते हैं बिजनेस मैनेजर से, वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और आपका जो भी क्रेडिट कार्ड पे नाम है और क्रेडिट कार्ड नंबर है वो आपको डालना है और देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे आपकी जो पेमेंट सेटिंग है वो आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है ऑडियंस में, ठीक है। तो ऑडियंस में आप लोकल लाइक ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं। लोकल लाइक ऑडियंस में आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो सेल्स होगी, वो जो आप जो भी प्रोडक्ट बेचना सेल करना चाह रहे हैं, अगर आप उसके लोकल लाइक कस्टमर जो ऑडियंस होती है अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं आप फेसबुक को, तो काफ़ी जल्दी आप सेल्स जो हैं जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर जो बिहेवियर कोई जो भी इंटरेस्ट होता है उसके लोगों की लिस्ट है आपके पास, जिन्होंने ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट बाय किया हुआ है, तो आपको पता है उनका इंटरेस्ट क्या है। तो वही सेम लिस्ट आप फेसबुक को देते हैं, फेसबुक क्या करता है उन सेम इंटरेस्ट वाले लोगों को जो आपकी लिस्ट में उन बाकी जो ऑडियंस है उनसे मैच करता है और उनके सामने आपका जो एड है वो शो करता है, ताकि आप सेम क्वालिटी का ट्रैफिक आप ड्राइव कर सकें, सेम इंटरेस्ट का जो ट्रैफिक है वो आप ड्राइव कर सकें अपने ऑफर पर, ठीक है। तो आपको बेसिकली जाना है क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कस्टमर लिस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपका जो एड अकाउंट है वो नया है तो आपको यहाँ पे अभी फेसबुक अलाउ नहीं करेगा, तो अपन दूसरा कोई देख लेते हैं अगर होता है तो। और अगर आप पर्सनल एड अकाउंट में जाते हैं, आप अगर पर्सनल एड अकाउंट में अगर आप लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर फेसबुक आपको अलाउ नहीं करेगा। ओनली अगर आप बिजनेस मैनेजर रन कर रहे हैं उसमें ही आप अपनी जो ऑडियंस है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जब भी जिसका जो अभी आपका एड अकाउंट पुराना है, ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे ये जो आपका ब्लैंक अभी तो ब्लर हो रहा है तो सिंपली ऐसे आपको शो होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपको ये ऑप्शन पूछ जाएगा यस और नो, तो आपको वहाँ पे जो आपकी जो लिस्ट आप प्रोवाइड करेंगे उसकी लाइफ टाइम वैल्यू है या नहीं है, तो आपको नो सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपको वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो जो फाइल आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं। देन वहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली आ नहीं रहा, नहीं तो आपको शो करता मैं,
तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप जिसके पास नहीं है लिस्ट, ठीक है, मैंने बताया था, अगर आपको जो आपके वेंडर हैं, जो जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट करेंगे, आप उन्हें बताएंगे मैं फेसबुक ऐड के थ्रू आपका जो ऑफर है वो प्रमोट करना चाह रहा हूँ, मुझे लिस्ट चाहिए, कस्टमर लिस्ट, ताकि मैं लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकूँ और एक अच्छा खासा ट्रैफिक जो है क्वालिटी ट्रैफिक में ड्राइव कर सकूँ जो भी ऑफर है उस पर, ठीक है। अगर आपके पास फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो के नीचे एक लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये लीन बेली जो ब्रेक थ्रू एक ऑफर है, काफ़ी अच्छा चल रहा था कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो ये वेट लॉस ऑफर है, तो जो वेट लॉस ऑफर प्रमोट करना चाह रहे हैं आप, तो अगर आप चाहें तो इस जो लिस्ट है इसे यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगा, आप सिंपली डाउनलोड करके इसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी यूज़ करें, इसके 3 से 4 जो लाइन है इन्हें डिलीट कर दें, उसके बाद यूज़ करें, ताकि आपकी जो ऑडियंस है आपके पास फ्रेश आ जाए, क्योंकि सभी लोग अब अगर एक साथ एक ही यूज़ करेंगे तो फिर फेसबुक आपका जो अकाउंट है वो शट डाउन कर सकता है। तो आप ऊपर की 1 से 2 लाइन आप डिलीट करके यूज़ करें, कोई 2 लाइन डिलीट कर ले, कोई 4 लाइन डिलीट कर दे, तो ऐसे डिलीट करके आप यूज़ कर लें, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आप अपलोड कर देंगे कस्टमर लिस्ट, तो वहाँ पे सामने ऑप्शन आएगा क्रिएट लोकल लाइक ऑडियंस का, तो वहाँ पे आप जो भी लोकेशन है, ठीक है, वो डाल के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी मैंने इस पर भी पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वो चेक कर सकते हैं कैसे मैं आप लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट होने के बाद आप जाएंगे क्रिएट एड में, ठीक है। तो अपन जो है आज आपका जो लाइक कैंपेन है वो कैसे क्रिएट करना है, तो आपको कोई भी चीज़ मतलब फर्स्ट डे में नहीं करनी है, आपने आज ही बिजनेस मैनेजर एक अपना ओपन किया, आपने आज ही अपना जो एड अकाउंट है वो क्रिएट किया, आज ही आपने अपना पेज बनाया और आपने आज ही लाइक कैंपेन अपना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें में क्या होगा, आपका जो अकाउंट है शट डाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करें, एक दिन आप अपना जो बिजनेस मैनेजर ओपन करें, दूसरे दिन आप एड अकाउंट ओपन करें, तीसरे दिन आप उसमें पेज ओपन करें, फिर पेज में आप उसमें पोस्ट डालें, एक दिन पोस्ट डालें, 2 दिन पोस्ट डालें, फिर 2 से 3 दिन बाद उसमें लाइक कैंपेन आप रन करें, तो इस वे में क्या होगा कि आपका जो बिजनेस मैनेजर है, जो भी अकाउंट है, शट डाउन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो जितना आप स्लो काम करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एंगेजमेंट जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है पेज लाइक का, वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है, अगर आप कैंपेन लेवल पे आप कर रहे हैं, तो बेसिकली हम ये जो पेज लाइक कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें कोई भी मतलब 1 से ज़्यादा जो हमारे एडिटेड तो होंगे नहीं, तो आप सिंपली से ऑफ करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडिटेड लेवल पे जो भी बजट रखना चाहें वो रख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर सकते हैं, आप क्रिएट जो न्यू ऑडियंस है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा ये आपकी जो यूज्ड सेव ऑडियंस, तो आप जो लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज सेव ऑडियंस, तो यहाँ पे आपको जो ऑडियंस आप सेव करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगी, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जाना है यहाँ पे, आप इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे अपन जो टॉप 5 कंट्री हैं वो ले लेते हैं, तो यहाँ पे यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, देन इसके बाद कनाडा, ठीक है, कनाडा, इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आप 5 जो कंट्रीज हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो आपकी एज ग्रुप है, तो एज ग्रुप में जो मैक्सिमम जो इंटरेस्ट होती हैं वुमेन, वो 30+ या 35+ अगर आप टारगेट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको इंटरेस्टेड जो बायर होते हैं, ट्रैफिक होता है, वो आपको मिल जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे डेमोग्राफिक में आपको वेट लॉस टाइप करेंगे, ठीक है, तो वेट लॉस में आप यहाँ पे वेट लॉस, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मिलियन से ज़्यादा इसमें मतलब जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा दूसरा भी आप टारगेट कर सकते हैं वेट लॉस, ठीक है,
तो इसी तरह जो भी आपको इंटरेस्ट टारगेट लगे आप वो कर सकते हैं, वेट लॉस, फिटनेस, इसके अलावा हेल्थी डाइट, हेल्थी फूड, हेल्थी ड्रिंक्स, केटोसिस, तो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाएंगे, इंटरेस्ट मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हैं जो आपको लगे कि जो मतलब बेटर परफॉर्म कर सकता है, जो क्वालिटी ट्रैफिक मतलब इंटरेस्टेड जो लोग होंगे वो आपको मिल सकते हैं। तो वो आपको टेस्ट करना होगा, अलग अलग कीवर्ड आपको टेस्ट करना होगा, तो जो भी आपको सही लगे वो आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लोको लाइक ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप लोको लाइक ऑडियंस यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपली आपको अपनी जो ऑडियंस है, ठीक है, यहाँ से आपको सेव जो ऑडियंस है उसमें जाना है, आपको ऑडियंस का साइज सेलेक्ट करना है, जितनी भी ऑडियंस आप यूज़ करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको जो कंट्रीज़ हैं, जिन जिन कंट्रीज़ को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप ओनली लोकलाइज ऑडियंस क्रिएट कर आपने यूज़ किए, उसके बाद आपने ना ही कोई एज ग्रुप किया है, ना ही कोई आपने लोकेशन, ना ही कोई कंट्री को टारगेट किया है, तो वो मतलब कोई मतलब नहीं होगा उसका, ठीक है। तो पहले आपको लोकलाइज ऑडियंस आपको यूज़ सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद जो भी कंट्रीज है, लोकेशन है, वो आपको टारगेट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप जो भी आप एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोकलाइज ऑडियंस सीधा आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट में जाना है, तो हमें ओनली पेज लाइक करना है अपना, तो फेसबुक ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको डेली बजट जितना आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इसमें आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे आप स्टार्टिंग में अपना बजट थोड़ा ज़्यादा रखें, 200, 300, या आप चाहें तो ₹500 तक रख दें डेली का, क्योंकि उससे क्या होगा, जितना आपका जो बिलिंग थ्रेशोल्ड है वो जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो जैसे अगर आपका 4 से 5 हज़ार अगर बिलिंग थ्रेशोल्ड हो जाता है आपका लाइक कैंपेन में, बूस्ट कैंप आपका बूस्ट पोस्ट में, अगर आप 5 हज़ार कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है वो आपके लिए। तो आप 5 हज़ार तक जब अपना जो आप कोई भी ऑफर प्रमोट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास 5 हज़ार का बिलिंग थ्रेशोल्ड होगा, तो आप डेली का अगर 5 8 सीट भी रन कर रहे हैं तो डेली का आप 1 हज़ार बजट से जो भी एड है वो रन कर सकते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट होगा, और हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो भी कैंपेन का बजट हो, कभी भी आपका जब बिलिंग थ्रेशोल्ड जो होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर उससे ज़्यादा होगा तो आपके जो एड अकाउंट है वो शट डाउन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपका बिलिंग थ्रेशोल्ड 3,000 है, तो टोटल आपका ओवरऑल जो कैंपेन का बजट होना चाहिए वो 3,000 ही होना चाहिए। जैसे जैसे आपका बिलिंग थ्रेशोल्ड बढ़ता जाएगा, आप अपना जो कैंपेन का जो बजट है वो भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ₹500 कर देते हैं, ठीक है। और जिसके पास बजट नहीं है तो वो कम से भी कर सकता है, बाकी अदरवाइज़ अगर आप जो भी आपका जो ऑफ़र प्रमोट कर रहे हैं, आप ₹500 से प्रमोट कर रहे हैं, तो इतना मतलब ध्यान रखिए कि ₹500 के अगर आप डेली बजट पर रन कर रहे हैं कोई भी एड, तो आपको ज़्यादा कुछ आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप भी सोच सकते हैं आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, टॉप 5 कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ही नहीं है जो मतलब एड रन कर रहे हैं फेसबुक पे, लाखों लोग हैं, सभी एड रन कर रहे हैं, सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, टॉप 5 कंट्रीज़ को, लेकिन उनका बजट होता है $100, $1,000, $2,000, तो आपको उनसे जो है कम्पीट करना है, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा होता है कि ऑक्शन होता है एक टाइप का, ठीक है, जो ज़्यादा बोल मतलब बजट स्पेंड करेगा तो फेसबुक उसे ज़्यादा ट्रैफिक प्रोवाइड करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप ₹100 का मतलब एड अमाउंट आप लगा रहे हैं, ठीक है, ₹100 में, और कोई $1,000 लगा रहा है, तो आप सोच सकते हैं किससे ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। तो इस टाइप से आप थोड़ा समझें, ठीक है, थोड़ा बजट आप ज़्यादा स्पेंड करें, अगर आपके पास बजट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप पहले अरेंज कर लें बजट, ठीक है, उसके बाद आप रन करेंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ आपने कम कम बजट से कर रहे हैं, आपने पूरा बजट स्पेंड कर दिया तो फिर आपके पास कोई रिजल्ट नहीं मिला आपको, तो फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे आप कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ये सोचना है, ठीक है, तो जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है, तो अगर आप भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है, तो ये आपको ये सोचना है, ठीक है। तो ये आपका 8 सेट लेवल कंप्लीट हो गया, अपन चलते हैं अब 8 लेवल पे। तो 8 लेवल में आपको कोई भी इसमें कोई भी क्लेम नहीं करना है, सिंपली आपको इसका जो मोटिव है वो यही है, पेज लाइक, और आपके जो रिमेनिंग जो 4 अकाउंट हैं, एड अकाउंट है जो क्रिएट होना है वो क्रिएट हो जाए, और आपका जो ट्रस्ट है फेसबुक आप पे ट्रस्ट करने लग जाए, ठीक है। तो ये मोटिव होता है, इसमें अपन को कोई भी सेल नहीं करना, कोई भी सेलिंग नहीं करनी है,
कोई भी क्लेम नहीं करना है लूज वेल वेट या मेक $1,000 पर डे या मैनिफेस्ट मनी इन 24 आवर, तो इस टाइप का कोई भी क्लेम नहीं करना है। सिंपली आपको अगर आपका इमेज नहीं है तो इस यहाँ पर जाएंगे आप, अकाउंट इमेज में स्टॉक फोटो में जाएंगे, ठीक है, स्टॉक फोटो में जाएंगे, यहाँ पे आपको फिटनेस टाइप करना है। तो ये फ्री मतलब इमेजेस हैं, आपको कोई भी मतलब रॉयल्टी फ्री इमेजेस हैं, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इन्हें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इन पे वाटरमार्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप जब सेलेक्ट कर लेंगे आपका एड अप्रूव होगा तो इसमें वाटरमार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिटनेस में जो इमेज आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारी इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे आप तो। मैं सिंपली ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अपन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो कोई भी है, जैसे मैंने स्लोगन लिखा हुआ, फिटनेस इज लाइक अ रिलेशनशिप, यू कैन नॉट चीट विथ इट, ठीक है। तो इस टाइप का लिख सकते हैं आप कोई भी स्लोगन, या फिर यहाँ पे अपना जो पेज का नाम है गेट डेली फिटनेस टिप्स, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी मतलब क्लेम नहीं करना, सिंपली आपको ये मोटिव होना चाहिए आपका जो एड है वो अप्रूव हो जाए, ठीक है। अगर आपका जो फर्स्ट एड ही अप्रूव नहीं होता है तो फिर आपका जो पेज की क्वालिटी है, जो भी एड की क्वालिटी है, मतलब थोड़ी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, दिस पेज इज़ नॉट अलाउड टू एडवर्टाइजिंग। तो बेसिकली ये मेरा जो पेज है, ठीक है, आप ये मतलब ये बैन है, तो इसमें अपन जो दूसरा पेज अपन ने जो क्रिएट किया था वो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो डेली फिटनेस लवर्स, ठीक है। तो ये आपका चीज़ हो गया, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सी एक जनरल इमेज रखनी है, आपको कोई भी मतलब बॉडी पार्ट नहीं शो करना है, कि आप कोई भी सिक्स पैक शो कर रहे हैं या फिर आप आफ्टर बिफोर की इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, अदरवाइज़ आपका जो एड है वो डिसअप्रूव हो जाएगा। अगर डिसअप्रूव होता है तो काफ़ी का चांसेस में क्या होता है, वो अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सी एक जनरल इमेज यूज़ करनी है, आप देख सकते हैं कोई फिटनेस कोई समझ जाएगा फिटनेस से रिलेटेड मतलब इमेज है, ठीक है। यहाँ पर वाटर दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे डंबल दिए हुए हैं, टेप दिया हुआ है, फ्रूट दिए हुए हैं, तो कोई भी समझ सकता है इसे, ठीक है। तो सिंपली आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आपका जो लाइक कैंपेन है वो इसमें कोई ज़्यादा नहीं करना है आपको, सिंपली ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और अपना जो पेज सेलेक्ट करना है, इमेज आपको एक लेनी है अच्छी जर्नल, और आपको जो टेक्स्ट है सिंपल सा एक जर्नल टेक्स्ट आपको डालना है और आप कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये आपका लाइक कैंपेन जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका लाइक कैंपेन अप्रूव होता है तो उसे 2 दिन तक आप रन होने दीजिए। तो उसके बाद फिर अपने जो पेज है, पेज पे ऐसी कोई भी इमेजेस होती हैं, ठीक है, कोई भी आपकी फूड की इमेज आप डाल सकते हैं, ठीक है, फूड की इमेज डाल सकते हैं आप। इसके अलावा जो ड्रिंक्स होती हैं, जो स्मूदीज होती हैं कोई भी, ठीक है, काफ़ी सारी स्मूदीज आपको इमेजेस मिल जाएंगी, आप अनप्लस से डाउनलोड कर सकते हैं। आप केटो डाइट की जो रेसिपीज़ होती हैं वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और उन्हीं पोस्टों को आपको बूस्ट करना है, ठीक है। आपको ये इस तरह की जो इमेजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे आपने ये मीम यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इस टाइप की मीम आपको बूस्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका इस टाइप की इमेज आपको नहीं करना है। सिंपली आपको जो प्लेन इमेजेस होती हैं, ठीक है, जैसे आप कोई भी डाइट की इमेज होती है, कोई भी फूड होता है, ठीक है, उसकी इमेज आपको हर डेली का 3 से 4 इमेज आपको पोस्ट करनी है अपने पेज पे, उनमें से जो आपको अच्छी लगे सिंपल सी, जो भी क्लेम ना करे कुछ, वो आपको बूस्ट करनी है, ठीक है। तो आपको पहले तो आपको लाइक कैंपेन रन करना है, उसके बाद आपको बूस्ट पोस्ट करना है। तो आपको ये 2 काम करने हैं अपने जो भी कन्वर्जन कैंपेन है वो करने से पहले, सेम उसी वे में आपको करना है। तो यहाँ पे अभी बूस्ट अनअवेलेबल बता रहा है, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कैसे आपको बूस्ट करना है। तो आपने देखा होगा अपने पेज पे आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है बूस्ट पोस्ट का, तो आपको उस पर क्लिक करना है
और जो भी आपका जितने ऑडियंस है वो आपको सिलेक्ट करनी है, बजट सिलेक्ट करना है, देन आप उस वहाँ से आप बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं। तो कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा पेज देख लेते हैं, इसमें अभी ये रिव्यू नहीं हो रहा है। तो डेली फिटनेस रिलेशन, बता देता हूँ आपको कैसे बूस्ट करना है, अदरवाइज हो सकता है किसी को डाउट हो। तो ठीक है, तो ये आ रहा है बूस्ट पोस्ट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी बूस्ट पोस्ट में कोई भी बटन नहीं देना, आपको नो बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको अगर बटन सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो जो एड है आपका डिसअप्रूव हो सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियंस जो सिलेक्ट करना चाहें एडिट पे क्लिक करना है, जो भी कंट्री को टारगेट करना चाहें वो कर सकते हैं, इंटरेस्ट को टारगेट करना चाहें वो कर सकते हैं आप। ठीक है, सभी ऑप्शन आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इसके बाद कितने दिन के लिए आप रन करना चाह रहे हैं, कितना बजट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ पे जो आपका एड अकाउंट है, जिस एड अकाउंट से आप रन करना चाह रहे हैं वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेसमेंट में यहाँ पे ऑफ करना है, इसे इंस्टाग्राम को अनचेक करना, और देन यहाँ पे बूस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एड है वो रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वो अप्रूव होगा तो वो आपको यहीं पे अपने जो एड अकाउंट होगा, ठीक है, एड मैनेजर में वो आपको शो होने लगेगा, जिस एड अकाउंट को आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंडर में। ठीक है, तो ये आपके लाइक कैंपेन होगा, बूस्ट पोस्ट होगी, तो आपको मिनिमम 2 वीक तो आपको रन करना ही करना है। 2 वीक से पहले आपको, अगर आप अच्छे रिजल्ट चाह रहे हैं आप, ठीक है, अगर आप बिल्कुल सेफ वे में काम करना चाह रहे हैं फेसबुक में, तो मिनिमम आपको 2 वीक तो आपको रन करना ही करना है। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बाकी अगर मैंने जो अपना नोटिस मतलब एक्सपीरियंस किया है, तो अगर आप 2 हफ्ते तक मिनिमम अगर आप बिना कोई कन्वर्जन कैंपेन के रन करते हैं, तो आपके जो आप अकाउंट शटडाउन होने के जो चांसेस हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको 2 वीक तक मिनिमम रन करना, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना जो कन्वर्जन कैंपेन है वो रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बताया कि आपको बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पेज कैसे क्रिएट करना है, क्या सेटिंग करनी है उसमें, देन आपको लुको लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है, आपका लाइक कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, आपको बूस्ट पोस्ट कैसे करना है। तो आपको ये 3 चीज़ें करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपको एक अच्छा हाई कन्वर्टिंग ऑफर कैसे क्रिएट कर आप सेलेक्ट करना है, देन आप कन्वर्जन कैंपेन आप कैसे आप जो है रन कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर इसी तरह का और वीडियो चाह रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।